बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी था जब बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने के लिए जाने जाते थे, लेकिन बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के पीछे बुरा वक्त ऐसे पड़ा कि इनकी फिल्म BMCM भी खतरे में आ चुकी थी। इस फिल्म के पीछे भी खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। तो अगर आप भी फिल्म BMCM के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि फिल्म BMCM जो कि 10 अप्रैल 2024 के दिन रिलीज होने वाली थी, जिसके चलते फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी गई है, लेकिन फिल्म के मेकर्स को कहीं ना कहीं डर है कि ये फिल्म अपने पहले दिन काफी कम ओपनिंग ले सकती थी। जैसे फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की गई, शुरुआती 24 घंटे में फिल्म को उतना कोई खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, जिसके चलते बताया जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट अब एक दिन आगे बढ़ा दी गई। जी हाँ, अब ये फिल्म 11 अप्रैल 2024 के दिन मतलब ईद के दिन हॉलीडे के मौके पर रिलीज होने वाली है। बताया जा रहा है कि अगर ये फिल्म 10 अप्रैल 2024 के दिन रिलीज होती तो फिल्म को काफी कम ओपनिंग मिलती, क्योंकि उस दिन वर्किंग डे पड़ने वाला था, और अगर फिल्म को पहले दिन काफी कम ओपनिंग मिलती तो ये फिल्म आने वाले दिनों में काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। हो सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी फ्लॉप फिल्म बन जाती, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने पहले ही फिल्म की डेट को आगे बढ़ा दिया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईद के मौके पर ये फिल्म हॉलीडे वाले दिन काफी शानदार ओपनिंग लेगी, जिसकी वजह से फिल्म के आने वाले के दिनों के कलेक्शन में काफी अच्छा जंप देखने को मिलेगा। अगर बात करें फिल्म के अभी तक के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने अभी तक लगभग 15 लाख की एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट कर ली है। अगर इसे ब्लॉक सीट के साथ देखा जाए तो फिल्म की टोटल एडवांस बुकिंग लगभग 75 लाख की हो गई है। अगर बात करें फिल्म के बुक माइसो इंटरेस्ट के बारे में, तो फिल्म को बुक माइसो पे लगभग 1,26,900 इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। अगर बात करें कि फिल्म के एडवांस बुकिंग पहले से भी कम क्यों हो चुकी, तो आप सभी को बता दें कि ज्यादातर लोगों ने इस फिल्म के लिए लगभग 10 अप्रैल के दिन की ही एडवांस बुकिंग की थी, लेकिन फिल्म की डेट बढ़ने की वजह से सभी लोगों के टिकट अब कैंसिल हो चुके हैं और अब लोग फिर से 11 अप्रैल के लिए अपनी टिकट बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिलहाल में फिल्म की एडवांस बुकिंग कम दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले 24 घंटे में जो डाटा सामने निकल कर आएगा वो सभी को हैरान कर सकता है। तो आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, क्या फिल्म अपने पहले दिन काफी शानदार ओपनिंग ले सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।